नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल गुरु घंटाल में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने मैपिंग प्रैक्टिस क्लास वन में इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जाना, आज का जो मैपिंग प्रैक्टिस क्लास टू है उसमें हम गल्फ कंट्रीज के बारे में जानेंगे। गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके कैपिटल के बारे में जानेंगे, करेंसीज के बारे में जानेंगे, देन देयर आफ्टर वो कितनी कंट्रीज से अपनी बॉर्डर को शेयर करती हैं, उन कंट्रीज के नाम को जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इम्पोर्टेंट स्टेट वगैरह पूछे जाते हैं या सी वगैरह पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ है जानने को, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि हम लोग मैपिंग की पूरी क्लास को कंप्लीट करते हुए अपनी मैपिंग को स्ट्रांग बना लें। तो चलिए दोस्तों निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। आइए दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गल्फ कंट्री, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन्हें हम लोग गल्फ कंट्रीज कहते क्यों हैं, कारण क्या है इन्हें गल्फ कंट्री कहने का। द अरब स्टेट्स ऑफ द पर्शियन गल्फ आर द सेवन अरब स्टेट्स विच बॉर्डर द पर्शियन गल्फ, नेमली बहरैन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। मतलब दोस्तों कि वो कंट्रीज जो कि इन पर्शियन गल्फ के अगल बगल है उसे हम लोग आपका गल्फ कंट्री कहते हैं। उसमें अगर हम लोग ऊपर से शुरुआत करें, इराक, कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया आता है। ईरान भले पर्शियन गल्फ से अपनी सीमा को, एक बहुत लंबी सीमा को टच करता है, मगर ईरान एक नॉन अरब स्टेट है। इन सारी गल्फ कंट्रीज में से इराक एक ऐसी कंट्री है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। बाकी सारी की सारी जो रिमेनिंग गल्फ कंट्रीज हैं वो आपका मिलकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को चलाती हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो आपका शेयर है वो सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया का है। आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक नॉलेज को अपनी इंप्रूव करते हैं या लेते हैं जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री से रिलेटेड है। इसमें हम जितनी भी आपकी मिडिल ईस्ट में कंट्री है, चाहे वो अरब स्टेट हो चाहे वो नॉन अरब स्टेट हो, उनकी हम कैपिटल और करेंसीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनकी करेंसी पूछी जाती है, इनके कैपिटल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, जो कि सबसे बड़ी कंट्री है। सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। अगर हम इराक के बारे में बात करें तो इराक का कैपिटल है बगदाद और इसकी करेंसी है इराकी दिनार। अगर हम ओमान के बारे में बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है मस्कट और इसकी करेंसी है ओमानी रियाल। अब हम बात करते हैं यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये वही जगह है दोस्तों जहां पे कुछ महीने पहले श्रीदेवी जी की मृत्यु हुई थी। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। उसके बाद आता है दोस्तों कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। देन कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। ये वो जगह है जहां पर आपका कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड हो चुका है और इसकी करेंसी है कतारी रियाल। उसके बाद दोस्तों एक आखिरी नॉन अरब स्टेट है जिसका नाम है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान और जिसकी करेंसी है ईरानियन रियाल। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके आपका गल्फ कंट्रीज के ऊपर। इसको जरूर एक बार गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे सवाल आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज किससे किससे अपनी बॉर्डर शेयर करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी मिडिल ईस्ट कंट्री है। आइए दोस्तों
सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया के बारे में, जिसकी कैपिटल है रियाद। हम ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया कितनी अरब स्टेट के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, एक बात याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है और ये लगभग हर अरब स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। ये करीब करीब 8 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है और वो सारे के सारे अरब कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। जैसे अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, इराक, कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, ओमान, दोस्तों ये 6 कंट्रीज तो आपको गल्फ कंट्रीज हो गई। इसके अलावा यमन और जॉर्डन, तो कुल 8 कंट्रीज के साथ सऊदी अरेबिया अपनी बॉर्डर को साझा करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला हमारी जी कंट्री है वो है आपकी यमन। ये कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सालों पहले हमारे देश की इंडियन आर्मी ने यहां पर एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन सा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो कि इस कंट्री में हमारे देश की इंडियन आर्मी ने किया था हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए। दोस्तों यमन, जैसा कि आप लोगों को मैप में नजर आ रहा होगा, सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। तो यमन दोस्तों सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगला है दोस्तों ओमान। ओमान 3 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, सऊदी अरेबिया, यमन और आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यमन इज लाइक अ सैंडविच बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ओमान, और ओमान आपकी 3 कंट्रीज के साथ आपकी बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया, यमन और आपका यूएई। अगला है दोस्तों कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात है ये आपका 2 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जैसा कि आप लोग को नजर आ रहा होगा ये सऊदी अरेबिया है और इधर आपका ओमान है, और इसके अलावा ये ईरान के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यूएई है वो 2 कंट्रीज के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर, सॉरी 2 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 1 कंट्री ईरान के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 छोटी छोटी अरब कंट्रीज के बारे में, जिसमें पहला है आपका कतर। याद रखिएगा दोस्तों, कतर 3 कंट्रीज के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें पहला है आपका सऊदी अरेबिया, दूसरा है आपका बहरैन और तीसरा है इधर ईरान। तो ये 3 कंट्रीज के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को आपका शेयर करता है कतर। उसके बाद दोस्तों अगली जो कंट्री है वो है आपकी बहरैन। बहरैन भी याद रखिएगा दोस्तों, 3 कंट्रीज के साथ अपनी मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया कॉमन है कतर की तरह, कतर है तो बहरैन और बहरैन है तो कतर, बाकी ईरान और सऊदी अरेबिया ये आपका कॉमन है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 छोटी। अगला है दोस्तों कुवैत, जो आप लोग को स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि कुवैत कितनी कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, कुवैत एक तरह का आपका सैंडविच है बिटवीन इराक एंड सऊदी अरेबिया। तो कुवैत 2 कंट्रीज के बीच आपका सैंडविच है, इराक एंड सऊदी अरेबिया। अगला है दोस्तों कुवैत। अगली जो कंट्री है दोस्तों उसे हम सद्दाम हुसैन की कंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कंट्रीज में मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हुआ वो सद्दाम हुसैन की वजह से ही हुआ।
मैं मानता हूं कि वो एक तानाशाह था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक सही विजन का इंसान था, जो शायद अगर आज जिंदा होता तो इराक का पूरा नक्शा ही वो बदल के रख देता। तो दोस्तों, इराक विश्व की 6 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया आपका कॉमन है, ईरान, आई फॉर इराक, आई फॉर ईरान, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन और टर्की। तो इन 6 कंट्रीज के साथ इराक अपनी बॉर्डर को साझा करता है। अगली जो कंट्री है दोस्तों, अगली कंट्री है दोस्तों एक नॉन अरब स्टेट और हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र, हमारे सबसे घनिष्ठ मित्रों में एक ईरान, यहीं पे हम लोगों ने अभी एक चाबहार पोर्ट को बनाया है। दोस्तों, ईरान जिस कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है उसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान आते हैं। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है कि जिनके एंड में तान आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो इन 3 तान जिनसे ईरान बॉर्डर शेयर करता है, आई फॉर ईरान एंड आई फॉर इराक, और टर्की एक कॉमन कंट्री है जो कि ईरान इराक दोनों से बॉर्डर शेयर करती है, और इसके अलावा आपका एक है अजरबैजान और एक है आपका आर्मेनिया, जो आप लोग को यहां पर नजर आ रहा होगा। तो जो ईरान है वो विश्व की 7 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगली कंट्री है दोस्तों एक नॉन अरब। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो आप लोगों को रेड सी नजर आ रहा है, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट सी रूट है पूरे विश्व के लिए। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पे गल्फ ऑफ स्वेज है जो कि मेडिटेरेनियन सी को आपका रेड सी से जोड़ता है, और यहीं पर आपका स्वेज कैनाल बना हुआ है, जिसके बनने की वजह से जो यूरोप से एशिया की डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है, और आसानी से आपका सामान यूरोप से एशिया की तरफ ट्रांसफर हो सकता है और होता भी है। आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो रेड सी आप लोगों को नजर आ रही है, कितने देश इस रेड सी के किनारे आपके स्थित हैं, मतलब कि बॉर्डर को टच करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो रेड सी से अपनी बॉर्डर को टच करती हैं, उसमें आपका सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूटी। ये 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपका अपनी बॉर्डर को शेयर करती हैं रेड सी से। अगला है दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है गल्फ ऑफ स्विस, और यही आपका एक स्विस कैनाल स्थित है जो कि आपको मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है। और इधर है दोस्तों गल्फ ऑफ अकाबा जो कि आपका इसराइल को गल्फ कंट्रीज से अलग करता है। इन दोनों की लोकेशन अक्सर पूछी जाती है कि गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ स्थित है और गल्फ ऑफ स्वेज किन दो सीज को कनेक्ट करता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, इस क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका इससे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है कि एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग कहते हैं बब अल मंदेब, जो आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। पूछा जाता है कि बब अल मंदेब जो स्ट्रेट है वो किन दो सीज को कनेक्ट करती है, उसमें एक है दोस्तों आपका रेड सी और एक है आपका दोस्तों गल्फ ऑफ एडन, मतलब कि अगर आपको
मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इंडियन ओशन में आना है तो आपको गल्फ ऑफ स्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां से होते हुए रेड सी से होते हुए बब अल मंदेब स्ट्रेट, देन आपका गल्फ ऑफ एडन होते हुए आप इंडियन ओशन में एंटर करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बब अल मंदेब है वो आपका किन दो सीज को कनेक्ट करता है, तो में आपका रेड सी और गल्फ ऑफ एडन आता है। और एक आखिरी क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जिसका नाम है हरमूज स्ट्रेट, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, इधर स्थित है आपका हरमूज स्ट्रेट। हरमूज स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से आपका जोड़ता है। तो ये था दोस्तों मिडिल ईस्ट पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में जाना, सीज के बारे में जाना, स्टेट के बारे में जाना। इस वीडियो को बार बार देखें, अपनी मैपिंग को स्ट्रांग बनाएं। मैं आगे भी और वीडियोस बनाता रहूंगा, हमारे सेशन इसी तरह चलते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाना ना भूलें। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गुड लक, टेक केयर, गुड बाय। दोस्तों इस क्लास का जो आखिरी